उनका टाइम पीरियड है देख लेना, बाकी तो हम एक एक करके सबके बारे में डिटेल तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हैं बाबर, 30 अप्रैल 1526 से लेकर 26 दिसंबर 1530 तक ये रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हुमायूं, 26 दिसंबर 1530 से लेकर 1540। उसके बाद से आपके अकबर आते हैं 56 से लेके, ठीक है, ये 40 के बाद फिर से आते हैं, 40 के बाद ये दोबारा ही आते हैं, क्योंकि यहाँ शेरशाह सूरी जो है बीच में आ जाता है, ठीक, और ये भाग जाते हैं ईरान, और ईरान भागने के बाद फिर से वो आपस आते हैं, फिर से मुगल वंश की स्थापना करते हैं 55 में, ठीक है, और 56 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर 56 से अकबर आता है और 1605 तक रहता है, फिर 1605 से आपका कौन आ जाता है भाई, 1605 से जहांगीर आ जाता है, उसका बेटा, फिर 27 तक रहता है, फिर 27 से 58 तक शाहजहां रहता है, फिर 58 से लेकर 1707 तक औरंगजेब, एक तरह से बोला जाए कि मुगल वंश का यहाँ जो है पूरा जो पावरफुल रूलर होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और यहाँ से मुगल वंश का जो है पतन शुरू हो जाता है, ठीक है, 1707 के बाद। अब यहाँ से लेके पूरे कहाँ तक आपके 1806, उसके बाद से आप आगे बढ़ो, ये पूरा 18 बहादुर शाह द्वितीय लास्ट आपके रूलर होते हैं मुगल वंश के, 1857 तक ये रहते हैं, उसके बाद से कि उनके हाथ में पूरा शासन चला जाता है, ठीक। तो हम एक एक करके सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे आपके मुगल वंश के संस्थापक जो थे बाबर के बारे में, कि ये कहाँ से आए, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा इंट्रो आपको बता दिया था इब्राहिम लोधी जब मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो जान लो इनके जीवन परिचय के बारे में, बाबर का नाम क्या था, इनका फुल नाम जो था वो जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, ठीक है। इनका बर्थ कब हुआ था, 14 फरवरी 1483 में हुआ था, कहाँ हुआ था, ये उज्बेकिस्तान में हुआ था, एक फरगना जगह है वहीं पे इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था, कुतलुक निगार खानूम, और इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। कहा जाता है ये जो है इनकी मदर जो थी वो चंगेज खान की वंशज में थी, और इनके जो पिता थे वो तैमूर के वंशज के थे, ठीक है, तैमूर के पांचवें वंशज थे, और ये इनकी माता जो थी ये आपके चंगेज खान के 14वें वंशज से रिलेटेड थी, ठीक है, ये दोनों का मिक्सर था बाबर। इनकी पत्नियां कितनी थी, कहा जाता है इतिहासकार कहते हैं 11 पत्नियां थीं, जिसमें से कुछ इनके नाम लिखे हैं, ऐसा सुल्तान बेगम, जैनाब सुल्तान बेगम, मौसमा सुल्तान बेगम, महम बेगम, गुलरुख बेगम, दिलदार बेगम, मुबारक युफ शाही, गुलनार, अधाशा, ये सब नाम थे। उनके पुत्र और पुत्रियाँ मिला के 20 लोग थे टोटल, उनके संतान जो बोला जाए बाबर के, ठीक है। इनके पुत्र थे देख लो क्या क्या नाम था, हुमायूं, कमरान मिर्जा, अस्करी मिर्जा, ठीक है, हिंदल मिर्जा, फरखुन डिरसा, गुलराग बेगम, गुलबदन बेगम, ये सब इनके पुत्र और पुत्रियों के नाम थे। लास्ट में ये 26 दिसंबर 1530 में आगरा में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, वहीं दफनाए जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद ले आके काबुल में दफना दिए जाते हैं। अब आते हैं इनके बारे में एक एक करके डिटेल हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में। तो भैया हुआ ये कि पहले बाबर को देख लेते हैं, बात करते हैं 1483 में इनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ देख लो, ये मैं आपको फिगर क्लियर करा दे रहा हूँ, दिख नहीं रहा होगा, पूरा मैप से मैं आपको बता दूंगा। हाँ तो भैया ये देखो, ये आपका उज्बेकिस्तान दिख रहा है, यहीं पे बाबर का जन्म हुआ था, इसी का एक जगह है फरगना, ठीक है, इसी में इस फरगना के ही जो है इनके पिता उमर शेख मिर्जा जो थे वो एक तरह से बोल सकते हो राजा थे, मगर वो एक सही बोला जाए सही मायने में तो बहुत पावरफुल राजा नहीं थे, बहुत उनका किसी से संबंध अच्छे नहीं थे, तो इनके रिश्तेदार भी इनके जो क्या थे, दुश्मन थे, ठीक। तो बात है आपकी कब की, 1494 की, ठीक है, 1494 की बात है, उस समय इनके ही साले साहब क्या करते हैं फरगना पर अटैक करते हैं, और उसी समय फरगना जो है जो उमर शेख मिर्ज़ा होते हैं वो क्या होते हैं बुढ़े हो गए रहते हैं, और उनकी तबीयत ख़राब होती है, और उसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर किसी तरह वो उनके साले लोग भागते हैं, ठीक है, फरगना से उन्हें भगाया जाता है, और 11 वर्ष के मात्र 11 वर्ष की उम्र में बाबर का राज्याभिषेक कर दिया जाता है कि भैया अब आप क्या करो फरगना को संभालो। अब बताओ 11 साल के लड़के के ऊपर इतनी जिम्मेदारी दे दी जाए तो कहाँ से वो निभा पाएगा, ठीक है। तो कुछ उसके जो सेनापति होते हैं, जो उसके सरदार होते हैं, उसके साथ रहते हैं, कहते हैं भैया घबराओ मत बाबर, हम आपके साथ हैं, ठीक है। मगर ऐसी समय क्या होता है कि उज्बेकिस्तान के
कुछ जो हैं आपके सरदार जिनको उज़्बेगी कहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि भैया अब फरगना में जो है उनके पिताश्री का मृत्यु हो गया बाबर का, अब ये बहुत सही समय है इसे हथियाने का। तो वो उज़्बेग लोग जो क्या करते हैं, यहाँ पे आपके फरगना पे अटैक करते रहते हैं। कई बार जो है बाबर उनको हटाने में सफल रहता है, मगर कई बार क्या होता है कि उनसे हार मान जाता है। तो लड़ते लड़ते बात है 1501 की आपका, उस समय यहाँ के उज़्बेगों के कुछ सरदार मिलकर फरगना पर अटैक करते हैं और फरगना जो है क्या होता है बाबर के हाथ से चला जाता है। अब जैसे ही चला जाता है, कहा जाता है कि उज़्बेगों का एक जो है सुल्तान था, सरदार था, वही इस पे अटैक करता है 1501 पे और फरगना को अपने कब्जे में कर लेता है। अब बाबर भैया इनका घर और सब खत्म हो गया, तो अब ये क्या करते हैं, ये घूमते फिरते रहते हैं हारने के बाद, और घूमते फिरते ये पहुंच जाते हैं आपके कहाँ पे, ये पहुंच जाते हैं काबुल। और काबुल में एक ऐसा समय उस समय होता है कि वहाँ के जो राजा होते हैं, आपको काबुल ये दिख रहा होगा, ये अफगानिस्तान में काबुल है, यहाँ पहुँच जाते हैं फरगना से, ये काबुल आ जाते हैं, ठीक है। अब वहाँ का राजा उस समय मर जाता है और उनके चाचा राम रहते हैं उलुग बेग खां, वो उनकी भी देहांत हो जाता है। और देहांत होने के बाद यहाँ पे जो है राजा बनाया जाता है उनका पुत्र, जो इनके पहले काबुल के राजा रहते हैं अब्दुल रजाक, मगर वहाँ की जनता जो है विद्रोह कर देती है और इंटरनल डिस्प्यूट हो जाता है एक तरह से कहा जाए काबुल में। इसी का फायदा उठा के 1501 के आसपास आपके बाबर क्या करते हैं, काबुल पे अपने सेनापतियों के साथ जो है अपना राज स्थापित कर लेते हैं, काबुल को अपने कब्जे में कर लेते हैं। जब काबुल आपके इनके कब्जे में आ जाता है तो अब ये क्या करते हैं, ठीक है, अब इनका मेन मकसद होता है कि फरगना को पाना, और साथ ही साथ फरगना के साथ आपका इस जगह पे समरकंद नाम की जगह है, एक समरकंद को ये हमेशा जीतने की ख्वाहिश रखते थे बाबर। क्यों? क्योंकि भैया ये जो समरकंद था, इनके पिता के जो वंशज मैंने बताया ना, तैमूर वंश थे इनके पिता, और इनकी माता चंगेज वंश की थी, ठीक है, तो ये तैमूर से काफ़ी प्रभावित थे, उनके जो युद्ध नीति थी हर चीज़ था, ठीक। तो इस समरकंद को प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि समरकंद तैमूर के समय का राजधानी रहता है, ठीक। तो ये 94 में युद्ध करते हैं समरकंद के लिए, हार जाते हैं, फिर 1497 में 100 दिन के लिए मात्र समरकंद पे इनका अधिकार होता है बाबर का, फिर से हार जाते हैं 97 में। उसके बाद से फिर से ये आपका 1501 में 8 महीने के लिए इनका होता है यहाँ पे अधिकार, और वही उज़्बेगी जो यहाँ से निकलते हैं सरदार, तो समरकंद को इनसे छीन लेते हैं, फिर फरगना को छीन लेते हैं, और ये निठल्ले हो जाते हैं, और तब घूमते घूमते ये काबुल पे आते हैं और काबुल पे अपना राज स्थापित करते हैं। और जैसे ही काबुल पे इनका राज स्थापित हो जाता है तो फिर अब इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और जब कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है तो फिर से ये क्या करते हैं, उसी समय 1501 में के आसपास में इस जो मैंने बताया ना सैबनी खान नाम था, जो उज़्बेकिस्तान का जो सरदार था, उसका जो है क्या हो जाता है, युद्ध होता है ईरान के एक सरदार रहते हैं इस्माइल खान के से, तो इस्माइल खान से वो हार जाता है। जब जैसे ही बाबर को खबर पड़ती है कि सैबनी खान जो है था वो हार गया है ईरान के राजा से, ठीक, तो ये क्या करते हैं, तुरंत समरकंद को जो है ईरान के जो राजा रहते हैं इस्माइल खान, उनसे मिलकर उन पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। अब उन पर कब्जा कर लेते हैं तो इस्माइल खान भी कहते हैं ठीक है आप रहिए यहाँ पे समरकंद पे, मगर आपको ये करना है कि जो सिया हैं उनका धर्म प्रचार करना है। तो यहाँ पे समरकंद में सुन्नी की जनसंख्या ज़्यादा होती है, तो सिया सुन्नी में मतभेद हो जाता है। अब सिया सुन्नी में जब मतभेद हो जाता है तो फिर क्या होता है आपका, ये बोला जाता है 1511 में यहाँ पे आपका समरकंद को ये प्राप्त किए थे, फिर बाद में 1512 में क्या होता है, सिया सुन्नी के विवाद के कारण फिर से बाबर को समरकंद छोड़ना पड़ता है, और समरकंद छोड़ने के बाद ये फिर से कहाँ चले आते हैं, 1512 में काबुल चले आते हैं। अब कह देते हैं भैया अब इधर का तो वो छोड़ देते हैं क्योंकि उज़्बेगों से वो बहुत परेशान हो जाते हैं। अब उनका जो रुख होता है काबुल से वो इसकी तरफ होता है, भारत की तरफ होता है, कि अब वो सोचते हैं कि अब इधर भारत पे हमें आक्रमण करना है, क्योंकि जब पाकिस्तान या अफगानिस्तान या आपका ये पूरा लाहौर पाकिस्तान वाला, ये पंजाब वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, सब हिंदुस्तान में था, तो अब ये इन सब पर अटैक करना चाहते हैं। तो उसी समय जो है क्या होता है कि ये पहली बार अटैक करते हैं, जो अपना ये शुरू कर देते हैं उधर का उज़्बेकिस्तान वाला अपना छोड़ देते हैं, अब ये इधर की तरफ रुख करते हैं युद्ध लड़ने के। तो पहला ये अपना आक्रमण करते हैं, यहाँ इस्लामाबाद के और आगे थोड़ा सा चले आओगे तो यहाँ पे एक
भेरा नाम की जगह पड़ती है, ठीक है, भेरा नाम की जगह पड़ती, यहां के किले पर यह अधिकार करते हैं 1519 में, ठीक है, 1519 में यहां अधिकार करने के बाद फिर से ये वापस चले जाते हैं, मगर कुछ दिन बाद ये फिर इनके हाथ से भेरा निकल जाता है, तो फिर से यहां इस्लामाबाद से पहले काबुल के बीच में पेशावर जगह पड़ता है, नाम सुने होंगे, पेशावर जगह पड़ता है, फिर यहां पे ये 1519 में ही पेशावर पे भी आक्रमण करते हैं और पेशावर को अपने कब्जे में ले लेते हैं, भेरा का 1519 में ही उनका छूट जाता है। फिर उसके बाद से ये अपना अगला आक्रमण जो करते हैं, ये भारत पे पानीपत से पहले ये 4 बार आक्रमण कर चुके रहते हैं, ठीक है, भारत के जो सीमाएं होती है वहां पे। उसके बाद से अपना तीसरा आक्रमण जो करते हैं, दो आक्रमण हो गए, तीसरा आक्रमण ये करते हैं यहीं आपके पंजाब के पास, ठीक है, ये आपका पंजाब के पास, यहाँ पे आपका पंजाब है, यहीं सिहालकोट नाम की जगह है, तो सिहालकोट में ये 1520 में आसपास, ठीक है, सिहालकोट पे आक्रमण करते हैं और इसे कब्जे में कर लेते हैं। फिर 1524 में आपके लाहौर पर आक्रमण करते हैं और इसे भी अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो ये 4 आपके आक्रमण करके इन सभी जगह पे इसका बाबर का राज हो जाता है। उसके बाद से बाबर, अब वही 1524 की बात है, उसी समय क्या होता है कि आपको इब्राहिम लोदी जो है यहाँ पगला गया होता है दिल्ली में, उसके वजह से क्या करते हैं वहाँ के जो पंजाब के आपके सूबेदार होते हैं, एक तरह से सरदार होते हैं, दौलत खां और उनके चाचा आलम खां लोदी, ये दोनों लोग क्या करते हैं बाबर को जो है निमंत्रण देने जाते हैं कि भैया बाबर आइए और इब्राहिम लोदी को दिल्ली की सत्ता से हटा दीजिए। अब ये इसके लिए खुशी की बात रहती है, ये एंट्री भी मारना रहता है इसको भारत में, और इसका जो है चांदी हो जाता है। अब क्या करता है बाबर जो है अपने सेनाओं के साथ, ठीक है, भारत में प्रवेश करता है, और भारत में जैसे प्रवेश करता है तो भैया यहां दिल्ली दिख रही है, इस दिल्ली से, बड़ा कर दे रहा हूं मैं, इस दिल्ली से बाबर यहां से आता है और यहां आपका पानीपत हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में पानीपत के मैदान पर दिल्ली से ये इब्राहिम लोदी जाते हैं और 21 अप्रैल, ठीक है, 1526 को पानीपत का पहला युद्ध होता है। कब होता है? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध होता है, जहां इब्राहिम लोदी और बाबर लड़ते हैं। कहा जाता है कि यहां इब्राहिम लोदी के पास बाबर से 2 गुना सैनिक थी, कोई कोई इतिहासकार कहता है 8 गुना सैनिक था, तभी भी इब्राहिम लोदी हार जाता है। क्यों हार जाता है? क्योंकि जो ये आपका कौन बाबर जो है इतने युद्ध किया रहता है, देखो इन सब पे अटैक तो किया, इनसे कुछ ना कुछ तो अनुभव सीखता ही है, तो ये अनुभव इसके पास था कि युद्ध कैसे लड़ा जाता, और इसके पास युद्ध लड़ने की अनुभव की कमी थी, और प्लस इसके पास जो टेक्नोलॉजी थी युद्ध लड़ने का वो एडवांस था, ये तोप का यूज करता है और यही घिसे पिटे तलवार धनुष का यूज करते हैं, इस वजह से वो जीत जाता है। तो यही आपसे पूछता है कि 1526 में ऐसा क्या था कि बाबर जो है युद्ध को जीत जाता है, तो एक तो मेन था ये तुलगुमा सिस्टम, बोल सकते हो तुलगुमा सिस्टम का यूज करता है। ये सिस्टम क्या होता है, इसको आधुनिक जो तोप होते हैं जो उल्बेगो से उज्बेकिस्तान के जो लोग यूज करते थे उनसे ये सीखा होता है इसको चलाना, तो यही तुलगुमा जो तोप से उनका युद्ध होता है पानीपत में, कम सेनाओं में भी वो जीत जाता है। तो ये तुलगुमा सिस्टम आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि तुलगुमा सिस्टम क्या था, ठीक है, तोप खाने से रिलेटेड था, ठीक। तो यहाँ 1526 के बाद जीतने के बाद ये एक पद धारण करता है, वो कौन सा पद धारण करता है, कालंधर की पदवी, ठीक है, कालंधर की पदवी ये धारण करता है। क्यों धारण करता है? क्योंकि यहाँ जब पानीपत का युद्ध जीत जाता है तो यहाँ से जो धन संपत्ति मिलती है ये काबुल के हर एक व्यक्ति को चांदी का सिक्का देता है, कहता है अब भैया काबुल की गरीबी क्या हो गई, दूर हो गई, ठीक है। और जब ये काबुल पे आपका कब्जा किया था तब एक पदवी धारण किया था, उस समय कौन सी पदवी धारण किया था, उस समय पादशाह की पदवी धारण किया था, ठीक है। तो ये दोनों पदवी ध्यान रखना, एक समय जब काबुल पे अटैक किया और उसे जब कब्जे में कर लिया तो पादशाह की उपाधि धारण किया 1507 में, और जब पानीपत का युद्ध लड़ा तब इसने कालंधर की उपाधि धारण किया, ठीक। अब यहां जब पानीपत का युद्ध लड़ लिया तो न्यू दिल्ली पे अब इसका क्या हुआ, मुगल वंश की स्थापना करता है। जब मुगल वंश की स्थापना करता है तो पहले बार ये जो कोई ना कोई वंश नाम रखना चाहिए, तो ये पहली बार अपना दिल्ली में जो मुगल वंश का स्थापन करता है तो उसका वंश का नाम लगता है चगताई वंश। चगताई वंश इसलिए रखता है कि चंगेज खान के दूसरे पुत्र का नाम था चगताई,
उसी के नाम से चट्टाई वंश रखता है, फिर बाद में वो धीरे धीरे बदल के क्या हो जाता है आपका मुगल वंश हो जाता है। ठीक, तो वही हम मुगल वंश पढ़ते हैं। तो दिल्ली में जब ये अपना वंश का स्थापना किया था, किस नाम से किया था, चट्टाई वंश से किया था, बाद में वही बन जाता है क्या आपका मुगल वंश बन जाता है। और जैसे ही राणा सांगा को ये पता चलता, अब ये सब बोलोगे सर ये सब चीजें पता कैसे चलती भैया, ये सब चीजें जो है ना इनकी आत्मकथा है बाबरनामा, तुझके बाबरी, उसी से हम ये बता रहे हैं और उसी से ये पता चलता है कि ये इब्राहिम आपके दौलत खान लोधी और आजम खान लोधी दोनों लोग इनके निमंत्रण देने गए थे। और बाबरनामा में ही सिर्फ ऐसा मिलता है कि राणा संग्राम सिंह, ठीक है, ये भी क्या किए थे, बाबर को बुलाने गए थे, मगर और कोई साक्ष्य नहीं है इसके अलावा, बाबरनामा के अलावा, कि संग्राम सिंह भी इन्हें न्योता दिए थे कि दिल्ली पर अटैक करने के लिए, ऐसा कुछ और जगह से नहीं मिलता, सिर्फ बाबरनामा में मिलता है। तो देखता भैया संग्राम सिंह की बाबर तो भैया मूड इसका फिर गया है, ये सिर्फ ये था कि यहाँ पे अटैक करके इब्राहिम को हरा दे और ये आप वापस चला जाए काबुल, मगर इसका मूड सनक जाता है भैया कि हम तो कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाता है कि दिल्ली पर मेरा कब्जा हो गया, और राणा संग्राम सिंह को ये खटकने लगता है। अब वो क्या करते हैं, आगरा और मेवाड़ को मिलाकर एक करने में लगे रहते हैं और इसको हटाने की कोशिश करते हैं। तभी बाबर को भी दिमाग में आता है भैया ये तो संग्राम सिंह कुछ गलत कर रहे हैं, पहले इनसे निपट लेते हैं। तो भैया खुला चुनौती दे देता है बाबर, कहता है संग्राम सिंह आ जाओ मैदान में, और तभी यहाँ से आपके दिल्ली से आगरा से कुछ दूर 20 मील दूर बोला जाता है राजस्थान में एक खानवा जगह है, ठीक है, खानवा जगह है, 26 में ये लड़े थे और 1527 में आपका यहाँ पे युद्ध होता है, 17 मार्च बोला जाता है, 17 मार्च 1527 में ये युद्ध होता है खानवा पे, जहाँ राणा संग्राम सिंह और बाबर दोनों लोग लड़ते हैं और आपके संग्राम सिंह क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। यहाँ भी इतिहासकार कहते हैं कि 1:2 की रेशियो में सेना थी, मतलब आपके जो मुगल सेना थी वो 1:1 में थी और जो संग्राम सिंह की सेना थी वो उनसे दुगुनी थी, ठीक, तभी भी हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं, क्योंकि ये जो बाबर होता है ना एक तरह से धर्म के लिए उस समय युद्ध शुरू कर देता है, अपने जो सेनापतियों में अपने सैनिकों में जो है जोश पैदा कर देता है जिहाद नाम का, ठीक है, जिहाद के नारे पे लोग क्या होते हैं एकदम पूरा का पूरा खून उबाल ले लेता है उनका और सेनाओं का, और एकदम पूरा टूट पड़ते हैं संग्राम सिंह के सेना पर और इनका जो है हार हो जाती है। और हारने के बाद यहीं पे फिर से क्या करता है बाबर, गाजी की उपाधि धारण करता है, किसकी उपाधि धारण करता है, गाजी की उपाधि धारण करता है। तो मुगल वंश में पहला शासक जो गाजी की उपाधि धारण करने वाला था वो कौन था, बाबर था। और मैंने दिल्ली सल्तनत में आपको बताया था कि गाजी की उपाधि धारण करने वाला कौन था, याद रखना, कौन था, गाजी मलिक गैसुद्दीन तुगलक था, ठीक है, तो ये सब भूलना मत। खानवा पे अधिकार कर लेता है। अब खानवा पे अधिकार करने के बाद खानवा की लड़ाई में चंदेरी के जो राजा रहते हैं मेदिनी राय, वो भी उनका साथ दिए रहते हैं, तो भैया काहे बाबर छोड़े उनको, ठीक। तो अब अगला उसका रूप होता है कि जो जो विद्रोह कर रहे हैं उनको दबाते जाओ। अब यहाँ से बाबर जो है राजस्थान से आपका कहाँ, ये मध्य प्रदेश में सीमा में बना दे रहा हूं, ये ठीक है, मध्य प्रदेश के चंदेरी में ये बढ़ते हैं, ठीक है, बाबर जो है चंदेरी में बढ़ता है और यहाँ पे मेदिनी राय से युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध होता है। कब होता है ये आपका 29 जनवरी या 26 जनवरी के आसपास, ये डेट 29 या 26 कहीं कहीं आपको मिलेगा, जनवरी 27 था, ये आपका होता है 1528 में, ठीक है, 1528 में 29 जनवरी या 26 जनवरी ऐसे है, 29 जनवरी है शायद, देख लेना, 29 जनवरी 1528 में ये चंदेरी पे बाबर अटैक करता है, यहाँ मेदिनी राय को हराता है। और हराने के बाद यहाँ कहा जाता है कि जो आपके राजपूत थे जितने उनके सरों को कटवा के एक मीनार खड़ा करा देता है, ठीक है। और यहीं पे क्या करता है ये, इन लोगों के जो आपके मुसलमान होते हैं उनमें एक तगमा नाम का टैक्स लगता है, ठीक है, तगमा नाम का टैक्स लगता था उसे हटा देता है, ठीक है, क्या हटाता है, तगमा नाम का एक टैक्स लगता था उसे हटा देता है। और यहीं पे चंदेरी की विजय के बाद ये राजपूतों के सर कटवा के एक मीनार खड़ा करवा देता है, बनवा देता है, ठीक। अब चंदेरी भी जीत गया 28 में। अब यहाँ से जैसे ही चंदेरी जीतता है तो क्या होता है, आपके जो अफगानी होते हैं, अफगानी कौन थे भाई, लोधी वंश जो था वो अफगान का वंश का था,
अफगानी जो बिहार में राज करते रहते हैं आपके, मैं दिखा दूं, यहां वेस्ट बंगाल है, ये आपका बिहार है, ठीक, ये बिहार है। तो बिहार के जो सरदार होते हैं और आपके यहाँ पे अफगानी सरदार होते हैं, ये लोग क्या करते हैं बंगाल के, ये लोग अब इनको बाबर को हराने के लिए योजना बना रहते हैं। उस समय इसे खबर मिल जाती है भैया बाबर को, और ये क्या करता है, यहाँ से निकलता है। जैसे निकलता है तो इसी का एक सेनापति, एक जनरल बोल सकते हो, कौन था, मीर बाकी। और यही मीर बाकी जो है आपके क्या, जब ये आपके यूपी से होकर बिहार में प्रवेश करते हैं तो मीर बाकी यहीं से कट जाता है और अयोध्या आ जाता है। और जहां आपका अयोध्या में जो राम जन्मभूमि है आपकी, मंदिर जो है था, उसे तोड़वा कर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराता है, जिसका विवाद अभी तक चल रहा था, जिसे अब सुलझा दिया गया है। और वहां पे राम जन्मभूमि पे राम लला की मंदिर जो है बनने का निर्देश आ गया है, ठीक। तो वो कौन था, मीर बाकी था, जिसने बाबरी मस्जिद बनवाई थी, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ता है और 1529 में आपका बिहार के पास एक घग्घर नामक जगह है, ठीक है, घाघरा नदी बहती है, वहीं पे इन क्या होता है, युद्ध होता है। किन, घग्घर का युद्ध कहते हैं, ये कब होता है भैया, ये 6 मई, ठीक है, 6 मई 1529 में होता है बिहार में घग्घर का युद्ध। और ये युद्ध क्या होता है आपका, जल और थल दोनों में होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बाबर द्वारा कौन सा युद्ध ऐसा था जिसे जल और थल दोनों में लड़ा गया था, तो वह घग्घर का युद्ध था। यहाँ से जब लड़ता है तो अफगानी क्या होते हैं, फिर से हार जाते हैं, और बाबर क्या हो जाता है, जीत जाता है घग्घर के युद्ध में। तो ये इसके जो है एक एक युद्ध थे, मैंने बता दिया, पहला युद्ध लड़ा पानीपत, दूसरा आपका खानवा संग्राम सिंह के साथ, तीसरा चंदेरी का युद्ध लड़ा मेदनी राय के साथ, और चौथा आपका बिहार में घग्घर नदी के किनारे लड़ता है, जहां अफगान सेनापति और बिहार के जो आपके क्या होते हैं, सरदार होते हैं, 6 मई 1529 में उन लोगों को हराता है। और तब जाके कहीं इसका इंटरनल विद्रोह जो होता है वो समाप्त हो जाता है, और कहा जाता है कि आपका इसका जो राज्य था बाबर का, वो कहां से लेकर, जम्मू कश्मीर से लेकर आपका मध्य प्रदेश में ग्वालियर तक, ठीक है, और यहां काबुल से लेकर आपका बिहार तक ये फैला हुआ था, ठीक है, ये राज इसका था, काबुल से लेके बिहार तक इसका राज फैला हुआ था। 1529 में ऐसा हो जाता भैया, जीत उत लेता है और ज्यादा समय तक ये भी जिंदा नहीं रहता है। इसके बाद सिर्फ जब ये सब कुछ जीत के वापस आता है भैया कहां, दिल्ली, तो दिल्ली के आसपास आगरा में, जब आगरा पहुंचता है ये, तो 1530 में इसकी 26 दिसंबर बोला जाता है, 26 दिसंबर 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है बाबर की। और मृत्यु होने के बाद इसे वहीं आगरा में किस जगह पे, एक नूर अफगान नाम की जो है, नूर अफगान, ठीक है, नूर अफगान नाम का एक बाग बनाया गया था है, जिस किसके द्वारा, बाबर के ही द्वारा नूर अफगान नाम का बाग बनाया गया था है आगरा में, वहीं पे इसे दफना दिया जाता है, ठीक है। मगर कुछ दिन बाद इनकी जो है विधवा पत्नी आती हैं और इनके पार्थिव शरीर को ले जाकर काबुल में क्या करती हैं, दफनवा देती हैं, ठीक। तो ये नूर अफगान अब जो हो गया है, इसका नाम आराम बाग हो गया है, क्या हो गया है, आराम बाग हो गया है, ये आगरा में है, ठीक है। तो पहले इन्हें यहीं दफनाया गया रहता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बाबर को सर्वप्रथम कहाँ दफनाया जाता है, तो नूर अफगान नाम का जो है जगह है कहाँ, आगरा में, ये बाग है, वहीं पे दफनाया जाता है, जिसे खुद उसी ने बनवाया था। उसके बाद से बाद में इसे ले जाकर काबुल में दफना दिया जाता है, ठीक। अब इसके द्वारा ये सब खबर हमें पता है कि बाबर नामा के द्वारा मिली थी, उस पर आ जाते हैं, कुछ देख लेते, मैंने आपको सब बता दिया, हाँ। और कुछ ऐसे जो फैक्ट हैं, जैसे कि जब बाबर हिंदुस्तान आया था, ठीक है, जब बाबर हिंदुस्तान आया था तो उस समय इसने बताया था कि बाबरनामा में मिलता है कि सिर्फ 5 जगह आपके मुस्लिम शासक जो है राज करते थे और 2 जगह हिंदू शासक राज करते थे, ठीक। वो कौन कौन से थे, जैसे गुजरात था, मालवा था, दिल्ली था, बंगाल था, ठीक है, और आपका बामनी साम्राज्य था। इस जगह मुस्लिम साम्राज्य थे, बाकी जो 2 हिंदू साम्राज्य थे वो था मेवाड़ और विजयनगर अम्पायर, ठीक है। विजयनगर में
आपके कृष्णदेव राय जो हैं वो राज करते थे, और इनका जिक्र बाबरनामा में मिलता है। बाबर ने खुद लिखा है कि बहुत शक्तिशाली राजा था कौन, कृष्णदेव राय, विजयनगर एम्पायर का, ठीक है, और उनके समकालीन भी था। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, किस शासक के समकालीन थे, तो किसके थे, बाबर के समकालीन थे। अभी तक हमने जब दिल्ली सल्तनत पढ़ा तो उसमें देखा जितने भी आपके राजा बनते थे वो किसकी उपाधि लेते थे, बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। मगर यहाँ जैसे मुगल वंश शुरू होता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये बगदाद के खलीफा खलीफा को कुछ नहीं समझते थे, ये जब गद्दी पर बैठते थे तो अपने आप को किसकी उपाधि धारण करते थे, बादशाह की उपाधि धारण करते थे, ठीक है। तो यहाँ से सुल्तान वाला सिस्टम खत्म हो गया था और बादशाह वाला सिस्टम जो है चालू हो गया था, ठीक। अब इनके बारे में हम देख लेते हैं आत्मकथा के बारे में, क्या क्या इनके, मैंने बता दिया कि इन्होंने आत्मकथा अपने खुद लिखी थी, कौन सी, तुझके बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहते हैं, उसी बाबरनामा को, उनकी आत्मकथा को रहीम खाने खाना ने, अब्दुल रहीम खाने खाना ने फारसी में उसका अनुवाद किया और श्रीमती बेबरीज ने अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया बाबरनामा का, ठीक है। और एल्फिस्टन ने इनके बाबरनामा ग्रंथ के बारे में कुछ वाक्य कहे हैं, वो क्या है, उसने कहा वास्तविक इतिहास का वह एशिया में पाया जाने वाला अकेला ग्रंथ है, ठीक है। उसने क्या कहा है, कहा है एल्फिस्टन ने कि वास्तविक इतिहास का एशिया में पाया जाना ये एक वास्तविक जो है अकेला ग्रंथ है, बोला गया है किसके द्वारा, एल्फिस्टन के द्वारा बोला गया है। बाबर ने एक नई पद शैली का निर्माण किया, वो पद शैली कौन सी थी, मुबाइयान पद शैली थी, क्या थी, मुबाइयान पद शैली थी। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बाबर ने, ठीक है, किस नए पद शैली का निर्माण किया था, तो वो याद रखना मुबाइयान नाम की पद शैली का इन्होंने निर्माण किया था। और साथ ही साथ बाबरनामा के अलावा इन्होंने दो रचनाएं की थी, एक और रचना की थी, वो कौन सी थी, रिसाल ए उसज, जिसे किस नाम से और जाना जाता है, खत ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी इन्होंने रचना किया था। इससे इनके पूरे के पूरे बाबर के बारे में बायोग्राफी हो गई कि कैसे उन्होंने काबुल से, पहले तो कहाँ, उज्बेकिस्तान से काबुल आए, काबुल से आपके इंडिया में प्रवेश किए और कैसे दिल्ली सल्तनत पे मुगल वंश की स्थापना किए। आगे हम सेशन में आपको हुमायूं के बारे में पढ़ाएंगे, इनकी मृत्यु के बाद इनका उत्तराधिकारी हुमायूं बनता है, कैसे वो अपने राजपाट को संचालित करता है, तो अगले सेशन में हम देखेंगे हुमायूं के बारे में। तब तक सभी लोग इस लेक्चर को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।